गुड मॉर्निंग, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पदार्थों का पृथक्करण, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर है 21। आज का टॉपिक है ओसाई यानी विनोइंग। ओसाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान भूसे के को दानों यानी गेहूं या धान से अलग करता है। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि भूसा दानों से हल्का होता है। भूसा एवं दाने के मिश्रण को ओसाने वाले किसान एक टोकरी लेकर किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं और मिश्रण को धीरे धीरे नीचे ज़मीन पर गिराते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। और इससे क्या होता है, भूसा हल्का होने के कारण हवा में उड़कर दूर जाके गिरता है और दाने भारी होने के कारण वहीं पर नीचे ढेर होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और इस तरह से ओसाई होती है। दानों की सफाई, मिट्टी, अपरिपक्व बीज, पत्थर आदि थ्रेसिंग किए अनाज से हाथों को छलनी द्वारा अलग किए जाते हैं। ये छलनी लकड़ी के फ्रेम में तार की जाली बनाकर बनाई जाती है। ये विधि सामान्यतया काले चने एवं हरे चने को साफ करने के लिए किया जाता है। इस विधि को चालन विधि भी कहते हैं। हाथ से चुनना, अब कंकड़, भूसा, अनवांटेड चीज़ें थीं, अशुद्धियाँ थीं, उन्हें गेहूं, चावल, दाल आदि से हाथ से चुनकर अलग करते हैं। ये विधि हाथ से चुनना कहलाती है। प्रयोग से पहले, अगला टॉपिक है प्रयोग से पहले खाद की सफाई। अनाजों एवं दालों को प्रयोग से पहले अच्छी तरह पानी से धोना चाहिए। सामान्यतः ये देखा जाता है कि चावल, अनाज या दाल एवं पानी के मिश्रण को कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है, जिससे चावल, अनाज या दाल भारी होने के कारण बर्तन की पैंदी पर बैठ जाते हैं। और ठोस पदार्थों के पैंदी पे बैठने की ये प्रक्रिया निक्षेपण या सेडिमेंटेशन कहलाती है, तथा ठोस कण जो पैंदी में बैठ जाते हैं उन्हें निक्षेप या सेडिमेंट कहते हैं। ऊपर के साफ तरल को निक्षेप को बिना हिलाए डुलाए उड़ेलने की प्रक्रिया को निथारना कहते हैं, टिकेटेशन जिसे कहते हैं। निक्षेप से ऊपर का द्रव प्लावी कहलाता है। अघुलनशील ठोस को किसी द्रव से छन्नकों के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन कहलाते हैं। चाय पत्ती को चाय से अलग करना प्लास्टिक या लोहे की छलनी प्रयोग करके की जाती है। इसमें चाय नीचे बह जाती है किंतु पत्ती छलनी पर ही रह जाती है, किंतु यही छलनी कीचड़ को कड़ से अलग करने हेतु प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कीचड़ के कड़ इतने बारीक होते हैं कि छलनी के छिद्र से पार चले जाते। इसके लिए हमें एक बारीक फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ये फिल्टर पेपर इसके लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इससे होकर पानी तो गुजर जाता है किंतु कीचड़ के कड़ नहीं जा पाते। आया समझ में आपको? देखो, हमने प्रयोग से पहले खाद की सफाई में क्या क्या सीखा है। हमने सीखा निक्षेपण यानी सेडिमेंटेशन, जो मोटा पदार्थ होता है, भारी सॉलिड पदार्थ, वो नीचे ही रह जाता है, उसे बोलते हैं सेडिमेंट। फिर निथारना यानी ऊपर जो हल्के पदार्थ आ जाते हैं उन्हें उड़ेलने की प्रक्रिया को निथारना यानी डिकेटेशन। और फिर हमने फिल्ट्रेशन सीखा, जैसे चाय की पत्ती को चाय से अलग करना फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इसमें 3-4 टॉपिक्स थे हमने इसमें कवर किए हैं। अब आपका होमवर्क है, ये जो क्रियाकलाप दिया हुआ है रेत एवं जल के मिश्रण को निक्षेपण एवं निथारना विधि द्वारा अलग करना, तो ये आपको होमवर्क में करनी है। बहुत ही सिंपल सी क्रिया है, आप कर सकते हैं। साथ ही आपको एक्सरसाइज में आना है और ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट करना है। एक दो तो मैंने लगा दिए हैं, बाकी के आपको खुद से
करना है। नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।